थे वो सिर्फ 9 mm की गोली को बर्दाश्त कर सकता था और उस जालिम शैतान कसब के पास ऑटोमेटिक वेपन था। जैसा ये मन कर करे तो मालूम हुआ कि दवाखाने में ये शैतान कसब घुस कर हिंदुस्तानियों को मार रहा है। वो हेमंत करकरे अपनी जान की बाजी लगाते हुए अपने लोगों से कहा कि चलो हम जाकर अपने देश को बचाएंगे, मुंबई की सड़कों पर हिंदुस्तानियों को जो मार रहे हैं उससे मुकाबला कर रहे हैं। वो हेमंत करकरे मौत के आगोश में चला गया और वो जालिम शैतान कसब अपनी बंदूक से उन तीनों पुलिस वालों को शहीद कर दिया। वो पुलिस वाला जिसके सामने मौत नजर आ रही थी, जो जानता था कि मेरे पास एक सर्विस रिवाल्वर है, मेरे पीएसओ के पास एक 1940 की 392 की बंदूक है और दूसरे पुलिस वाले के पास एक वेपन है, वो ये तमाम को देखते हुए हेमंत करकरे मुल्क की मोहब्बत में, आवाम की मोहब्बत में अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। अरे शर्म करो जो लोग आज हेमंत करकरे के ताल्लुक से कह रहे कि हेमंत करकरे ने कर्नल पुरोहित के घर में एक्सप्लोजिव रखा। अरे जिसने अपनी मौत को देखकर अपनी जान को कुर्बान कर दिया, क्या वो पुलिस ऑफिसर इस तरह की घिनौनी हरकत कर सकता? क्या कोई कर सकता है इस हरकत? हेमंत करकरे को अशोक चक्र दिया गया, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्रेवरी का अवार्ड। जिसको ब्रेवरी का अवार्ड दे रहे उसको आप ये कह रहे हैं कि उसने एविडेंस को ब्रांच किया। अफसोस होता है, हम हेमंत करकरे को सलाम करते हैं। हेमंत करकरे को हम कभी नहीं भूलेंगे कि वो बहादुर पुलिस वाला था जिसने मुल्क के अंदर जो दहशतगर्द लोग थे, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, उसके मजहब को नहीं देखा। उसने कहा ये लोग मेरे देश के, मेरे मुल्क के दुश्मन हैं, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन किया। प्रज्ञा ठाकुर को, कर्नल पुरोहित को जेल में डाला और 26/11 के वाकये में अपनी जान की अजीम कुर्बानी दे दिया। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप तो बात बात पर देशभक्ति की बात करते हैं, आप तो हर बात राष्ट्रवाद की बात करते हैं। मैं संघ परिवार से पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल शिवसेना से कि ठीक है आप असदुद्दीन ओवैसी को गलत समझते हैं, आपकी नजर में मैं बहुत खराब हूं, मगर बताओ क्या हेमंत करकरे? मेरा सवाल आरएसएस की छटियां पहनने वालों से, जो खाकी की पैंट पहन रहे हैं उनसे है, बताओ क्या हेमंत करकरे इस तरह की हरकत कर सकता? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हेमंत करकरे को दोबारा मारा गया, आज हेमंत करकरे को दोबारा मारा गया। इसीलिए आज आप तमाम की मौजूदगी में, ताकि पैगाम जाए बीजेपी, संघ परिवार, शिवसेना, ये कांग्रेस को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं अपनी तस्वीर को एक मिनट के लिए हम तमाम खामोशी अख्तियार करेंगे, हेमंत करकरे को याद करेंगे, 26/11 के हिंदुस्तानियों को मारा गया उनको याद करेंगे, वो पुलिस कांस्टेबल को याद करेंगे जिसने अजमल कसब को, शैतान को जिंदा पकड़ा और अपनी जान की कुर्बानी दिया। उठो मेरे नौजवानों, उठो बुजुर्गों, एक मिनट के लिए खामोशी अख्तियार करो, ताकि हमारी खामोशी उन तमाम हुक्मरानों को पैगाम दे दिया जाए कि हेमंत करकरे तुम्हारे लिए मर गया होगा, हमारे लिए आज भी जिंदा। खामोशी अख्तियार करिए एक मिनट। रखिए बैठ, ये जो खामोशी सुनो, अभी
ये जो खामोशी एक मिनट की थी मेरे भाई, आराम से सुनिए बाप, ये जो खामोशी एक मिनट की थी, जो सारे ग्राउंड में सन्नाटा छा गया और ऐसा नजर आ रहा था कि सन्नाटे की भी आवाज है, याद रखो हुकूमत करने वालों, ये जो खामोशी तुमने सुनी ये तूफान की आने से पहले की खामोशी है, याद रखो। ये जमहूरियत को बचाने की तूफान की आमद है, ये हेमंत करकरे के नाम को बचाने की तूफान उठेगी सारे मुल्क में, क्योंकि मुल्क कभी हेमंत करकरे की कुर्बानी को नहीं भूल सकता, मुल्क कभी नहीं भूल सकता हेमंत करकरे की कुर्बानी को। हम पूछना चाहते हैं कि क्या मिस्टर मोदी जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, क्या वो जितने हिंदुस्तान के जेलों में ये बच्चे पोटा में मकोका में यूएपीए में असदुद्दीन ओवैसी मंगलिस इस बात का मुतालबा करती कि कमीशन बनाया जाए, एक रिव्यू कमेटी बनाया जाए, देखा जाए कि इन तमाम जेलों में जितने बच्चे हैं उन पर भी कन्फेशन मार कर लिया गया था, टॉर्चर करके लिया गया था। अगर प्रज्ञा ठाकुर निकल सकती है तो महाराष्ट्र की जेलों में संडे वाले गरीब मुसलमानों और दलितों और ट्राइबल के बच्चे भी निकल सकते, निकलना चाहिए, ये इंसाफ का तकाजा है। मंगलेश इस बात का मुतालबा करती है कि एक रिव्यू कमेटी बनाई जाए और उन बच्चों को फौरन रिहा किया जाना चाहिए, उन बच्चों को फौरन रिहा करवाना चाहिए। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं जानता हूं कि हिंगोली में इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर या नवंबर के महीने में बल्दिया के इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैं राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी बीजेपी शिवसेना से पूछना चाह रहा हूं, आपको इतनी हमारे से नफरत क्यों है भाई? हमारे आजम कॉलोनी पेंशनपुरा मस्तान शाहनगर पूरे कारपोरेटर आपके हैं, आपको नहीं दिखता क्या इन लोगों के मोती आ गया क्या? रोड खराब, मोरिया खराब, पानी नहीं आता, क्या कर रहे हैं आप लोग? पीने की पानी की पाइपलाइन, इसका एस्टीमेट इतना बड़ा, पानी नहीं आता और एस्टीमेट बढ़ जाता, क्या हो रहा है यहां पर? और कलमनोरी में कचरा उठाने का मामला पीआईएल फाइल हो गई, पीआईएल फाइल हो गई। इसीलिए मेरे भाई आज आपको और हमको आने वाले बल्दिया के इंतखाबात में एक होकर आपके सिंगोली में